डियर व्यूअर्स, वी आर एट द्वारका। तो द्वारका पहुंच चुके हैं, तो आप देख रहे हैं सुनील सर है, मैं हूँ और सारे यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, भक्तजनों का जन सैलाब है पीछे और आगे चारों ओर, खचाखच भरा हुआ है। सारे द्वारका दीश के दर्शन के लिए बेताब है और देख सकते हैं आप सब लोग कैसा एक चारों दिशा से लोगों का एक जो उमंग है, आशा है दर्शन के लिए, वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सारे भक्त करेंगे, द्वारका माँ कौन छे, द्वारका माँ कौन छे, द्वारका माँ कौन छे, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की। तो देख रहे हैं आप सब लोग जैसे कि कन्हैया लाल के बारे में कैसे जय जयकार हो रहा है, आप देख सकते हैं दर्शन के लिए सब उतावला है, दर्शन हो चुका है स्टार्ट, हम लोग अभी जा रहे हैं सब लोग देख सकते हैं धक्का, हम लोग बस भीड़ में कृष्ण कन्हैया की ध्यान करते रहेंगे और ऑटोमेटिक हम पहुंच जाने वाले हैं कृष्ण जी के धाम के पास। तो हाँ हाँ, तो अंकल ने हमको बताया कि मोबाइल अलाउड नहीं है, आपको पता होना चाहिए मोबाइल मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन आप बाहर किसी को पास रख के आप जा सकते हैं, राइट, टिल देन भगवान के दर्शन तक आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं। बोलो श्री कन्हैया लाल की। देख सकते हैं भक्तों का उमंग, बोलो द्वारका अधीश की जय। बाप भाई कहाँ से है, अमरेली, अमरेली जिला के, तो यहाँ पे पूरे गुजरात भर के और गुजरात के आउटसाइड भी लोग आए हुए हैं, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि हमारे ये जो चार धाम में से एक धाम द्वारका धाम है, तो यहाँ पे आने वाले हैं सब अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं, सूरत प्रदेश से, सौराष्ट्र की देवभूमि से ये लोग आए। आप अमरेली भीड़ में जा रहे हैं, आप लोग कौन से जिले से है भाई, आप कौन से जिले से हैं, आप कौन सा है, तो उत्तर भारत से, उत्तर गुजरात से, मेहसाणा जिले से या हुआ, तो हर पूरे गुजरात के अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, नॉट ओनली गुजरात, गुजरात से नहीं, पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं, भाई तो फॉरेनर लग रहा है।